बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं नादिया, आप देख रहे हैं सना डिशेस। हमारे चैनल को देखने वाले तमाम फ्रेंड जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज मैं एक बहुत ही ज़बरदस्त सा नाश्ता लेके हाजिर हुई हूं, जो 5 मिनट में बन जाता है और बड़ा ज़बरदस्त बन जाता है, हर बंदे से बन जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को देख सकें और ये आसान रेसिपीज़ अपने घरों में ट्राई कर सकें। तो जी, रेसिपी क्या है आज। मैं अंडा पराठा बनाने जा रही हूँ, वो भी बहुत सिंपल, सादा और आसान तरीके से। उसके लिए मैंने 1 कप आटा लिया। आटा आप वही इस्तेमाल करें जो आप अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ हमें 1/2 टीस्पून नमक चाहिए। 1/2 टीस्पून में इसमें नमक ऐड कर लेती हूँ और 1.5 टीस्पून हमें कुकिंग ऑयल चाहिए। अभी करना क्या, अभी करना ये है कि पानी से आटे को अच्छे से हमने मिक्स कर लेने। बिस्मिल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से इसे मिक्स करना है। इसको मैंने गूंद लिया, ये इस शेप में मैंने ले लिया। अभी हम इसमें 1 अंडा डालेंगे। और मैं अपने ब्रेकफास्ट में मैदे का इस्तेमाल इसलिए नहीं करती क्योंकि मैदा हर घर में नहीं होता और किसी को सूट भी नहीं करता। अक्सर बंदे को मैदे का नाश्ता या नान या इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो हज़म नहीं होती, तो इसलिए घर के आटे से मैं हर चीज़ बनाती हूँ। अभी डाला मैंने इसमें 1 अंडा। अभी हम अंडे को अच्छे से मिक्स करते हैं। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मैं खुद जब मैदे से बना नान वगैरह कुछ खाती हूँ तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट की रेसिपीज़ में ज़्यादा आटा इस्तेमाल करती हूँ। ये अच्छे से मिक्स हो गया। चलें जी, अब हम पकाते हैं पराठे। अब मैंने कढ़ाई ली है, उसमें मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिए 1 टेबल स्पून। अभी हम जो बैटर है, कुकिंग ऑयल गर्म होता है तो बैटर डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे अच्छे से फैला के पराठे की शेप देंगे। इस तरह हम इसको पराठे की शेप दे देंगे। अभी एक साइड पकने के बाद तकरीबन 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। बड़े आराम से इसकी साइड चेंज हो जाएगी। ये देखिए, दोनों साइडों से हम इसे तकरीबन 1-1.5 मिनट पकाएंगे। 2 तरफ से इसे अच्छे से पका लेंगे। ये बड़ा ज़बरदस्त ही हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। अभी 2 तरफ से अच्छे से पक गए, अभी मैं इसे निकाल लेती हूँ और दूसरा रेडी करते हैं। इसी तरीके से हम सारे पराठे बना लेंगे। अभी मैं दूसरा बना रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट लगते हैं, 2 मिनट में बैटर तैयार हो जाता है और 3 मिनट में पराठा रेडी हो जाता है। लेंगे मज़ेदार सा अंडा पराठा, हमारा बिल्कुल रेडी है, ब्रेकफास्ट हमारा तैयार है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ। मुझे दुआओं में याद रखें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।